खबर उन्नाव से है, जहां युवा कल्याण विकास दल ने एक दिवसीय जनपद स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रतियोगिता में शास्त्रीय गायन, लोकगीत सहित हारमोनियम तबला में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्र में छुपी प्रतिभा निखरती है। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। साथ ही उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। देखिए, उन्नाव से सबसे सुंदर स्थान नंदन वन में युवा कल्याण विभाग द्वारा आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुझे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। इस आज़ादी के 75वें वर्ष को हम लोग एक उत्सव के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति को जाने, हमारे देश को जाने, हमारी विचारधारा, हमारी परंपराओं से परिचित हो, कला के क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाए और देश दुनिया में अपने क्षेत्रों का नाम एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम कर सके, इस दृष्टि से लगातार पूरे देश में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।